से 6 बॉल्स चल रही हैं हवा में, तो आपसे ये कहा जाएगा अबे सारे आम यहीं बेच ले तू, बहुत ही मीठा है, बहुत ही मीठा है। फाइनली मैंने जगल कर लिया। तो चलिए जगलर प्रॉब्लम्स में बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है बाबा जी की ट्रिक। तो भाई जगलर्स जनरली जोकर्स ऐसे बॉल्स को थ्रो करते हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके हाथ में और कई बार वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे ऐड करते चले जाते हैं। तो जे डबल ई में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ, तो बात करते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की। बट उसके पहले चलते हैं अपने बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई बूटी जोन में आपके पास बस ये है कि जब भी हम ग्रेविटी का ये सेकंड केस लेते हैं, 3 केसेस होते हैं ना अपने पास। हाँ, चैंपियंस को पता है कि 3 केसेस हैं, वो तो हंस रहे होंगे इस समय वीडियोस देख के। तो इसीलिए सबसे फिर बोलूँगा मैं यार, टेस्ट सीरीज प्लस एवरीथिंग इज इन 399 रुपीज़ ओनली। आ जाओ ज़रा बाबा गैंग ऐप को डाउनलोड कर लो और आ जाओ चैम्पियंस में। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक मंथ के अंदर आप पूरा 11th ख़त्म करने वाले हो। तो यार कैसे होगा ये सब जानने के लिए तुमको वहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो है जिसकी वजह से हम चीज़ों को बहुत आसान बना देते हैं। अब वो क्या है वो देखना पड़ेगा। चलिए तो इसको आसान बनाते हैं अपन सबसे पहले। तो जब हमारे पास सेकंड केस आया, बॉल को थ्रो किया, हवा में था, फिर दूसरे हाथ से मेरे हाथ में आ गया। तो भाई इस केस में अगर आप देखो गौर से तो बॉल ऊपर गई टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वेलोसिटी 0 और फिर वापस आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो यार v = u + at में v 0 हो गया, u है, एक्सेलरेशन माइनस जी है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिया है, सो माइनस जी टी, टी की वैल्यू आ जाएगी u बाय जी। तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2u बाय जी। मैं आपसे फिर कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, ये सेम ऐसा ही फॉर्मूला निकल के आता है प्रोजेक्टाइल का, बस कैसे वो सिमिलैरिटी है वो देखना पड़ेगी हमको। तो t = 2u / g टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हमारे पास आता है मैक्सिमम हाइट, किस मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल जा सकती है। तो भाई देखो v² = u² + 2as फाइनल एट मैक्सिमम हाइट v 0, u तो हमारे पास है और 2a a की जगह पे माइनस जी और मैक्सिमम हाइट है h, तो 0² = u² - 2gh। और मुझे पता है, मेरे ज्ञानियों को ये पता है, h = u² / 2g जो होता है ये मैक्सिमम हाइट होती है अगर आप u स्पीड से या u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हो एक ऑब्जेक्ट को। तो भाई ये बूटी सेक्शन था। अब आते हैं जगलर प्रॉब्लम पे, थोड़ी बहुत ड्राइंग कर ली मैंने, है ना। 6 बॉल्स थी, आप एक जगलर था वो 6 बॉल्स को जगल कर सकता है। तो भाई एक हाथ से दूसरे हाथ तक बॉल आने में उनको लग रहा है 1 सेकेंड, है ना। इसका मतलब है कि जब सपोज करो ये 6 बॉल्स हैं, अब ये जब फर्स्ट बॉल हाथ में आई वापस, उस समय 6 निकल चुकी थी अपनी जगह से, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने इंटरवल हो चुके हैं, 5। और 1 सेकेंड में हाथ में आती है बॉल, मतलब ये एक्चुअली में 5 सेकेंड की जर्नी कर चुकी है ये बॉल। फिर से समझो इस बात को, जब ये बॉल आई तो उस समय 5 बॉल्स आप फेंक चुके थे ना, और एक बार हाथ में इधर आने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो मतलब 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6। तो जब ये जब 6th वाली बॉल को फेंका है उस समय फर्स्ट वाली हाथ में आ गई, तो कितनी देर के लिए हवा में रही, जितने इंटरवल 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 इंटरवल्स हैं और 1 इंटरवल 1 सेकेंड, तो यानी कितनी देर हवा में रही, 5 सेकेंड हवा में रही। तो एक आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि 5 सेकेंड्स तक आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट थी, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में t = 2u / g में रख दो, टी की जगह पे 5, 2u / g 10 सॉल्व करोगे u आ जाएगा। अगर मैंने बोला कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, तो भाई h = u² / 2g, u की वैल्यू क्या है आपके पास, 25 आप निकाल चुके हो, 25 का स्क्वायर बाय 2g करोगे आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, मतलब वो 25 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है और 25 मीटर पर सेकेंड से फेंकने के बाद जो मैक्सिमम हाइट तक जा रही है वो 31.25 मीटर जा रही है। पूछ लो भाई क्या पूछना है, आप चाहो तो कोई सी भी बॉल की हाइट किसी भी समय निकाल सकते हो, कि आपको पता है ये वाली बॉल कितनी देर हवा में रही होगी, 4 सेकेंड, ये अभी 3 सेकेंड, ये अभी 2 सेकेंड, ये अभी 1 सेकेंड, आपको सब पता है। एक बार टाइम पता चल गया, स्पीड पता चल गई, आप सब निकाल सकते हो जो भी निकालना है। ओरली करने का एक प्रॉब्लम, चलो ओरली कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि 3 बॉल्स हैं, एक जगलर 3 बॉल्स को थ्रो कर सकता है, 3 बॉल्स को थ्रो कर सकता है, तो इंटरवल जो भी बॉल्स होंगी उससे कम एक इंटरवल होगा,
ठीक है, और 0.1 सेकंड में वो अपने हाथ से ट्रांसफर कर देता है 0.1 सेकंड में। तो भाई सबसे पहले देखो इंटरवल कितने होंगे हमारे पास, 3 बॉल्स हैं तो 3-1 2 इंटरवल्स हैं, और एक इंटरवल कितने का है 0.1 सेकंड का, तो अगर एक इंटरवल 0.1 सेकंड का है तो दो इंटरवल कितने के हुए 0.2 सेकंड्स के, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 0.2, जी की वैल्यू 10, 0.2 into 10, 2 से 2 कैंसिल, u is equals to 1 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है वो। अगर आपसे बोला कि बताओ हाइट कितनी होगी तो 1 upon 2 into 10, 1 by 20 मीटर की हाइट पे वो जा रही होगी। तो यार कितना आसान है ना, आप तो बस प्रॉब्लम बोलो कितनी बॉल फेंकनी है साहब, हमें सब आता है। तो जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीन शॉट। वापस तो भाई ये हुआ हमारे पास जगलर प्रॉब्लम। फिर से कहूँगा आ जाओ, तुमको लग रहा होगा बार बार बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को मैं जाते हुए देख रहा हूँ ऐसी जगहों पे जहाँ पर तुम्हें मिल भी कुछ नहीं रहा, पैसे भी इतने सारे हैं। सो हार्डली 399 एंड यू आर गेटिंग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्लस एवरीथिंग इन ऑन इन फिजिक्स, पूरी मटीरियल्स, पूरी बुकलेट, एस सी वर्मा का सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। आ जाओ भाई, इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, जय हो।